हेलो फ्रेंड्स, खुश आमदीद। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। माय हम्बल रिक्वेस्ट, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज का वीडियो है मिठाई के डब्बों का स्मार्ट यूज़ और प्रिंगल्स के कैन का। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ले लिया है प्रिंगल्स के कैन, और ये एक क्राफ्ट पेपर है जो कि नॉन एडहेसिव है बट 3D इफेक्ट है इसमें। यू कैन गेट दिस इन एनी स्टेशनरी शॉप। मुझे इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा तो मैंने इस पेपर को ले लिया, और नाउ आई एम यूजिंग दिस पेपर टू कवर दिस प्रिंगल्स कैन। ये काफ़ी थिक शीट है, इसका इफ़ेक्ट वैसा ही है जैसे कि हम जब कार्डबोर्ड को हम थोड़ा सा गीला करके और उसका ऊपर की लेयर निकाल के और जब हम कोई चीज़ पे रैप करते हैं तो इसका इफ़ेक्ट बिल्कुल वैसा ही। ज़ेब्रा प्रिंट मेरा काफ़ी फेवरेट प्रिंट है, और जैसे ही मैंने स्टेशनरी शॉप पे इस प्रिंट को देखा तो मेरे माइंड में आइडिया आया कि मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। कैन के साइज़ से थोड़ा सा बड़ा ले लें आप पेपर को, क्योंकि बाद में हम उसको फिर ट्रिम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उसको बस जस्ट सिंपल इसको आप ग्लू गन से मैं इसको रैप कर दे रही हूँ, क्योंकि ये नॉन एडहेसिव है तो ग्लू गन में यूज़ करके इसको रैप कर दे। दिस DIY इज़ वेरी इजी बट द आउटकम इज़ वेरी फैंटास्टिक। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास चीज़ें पड़ी होती हैं बट हमें आइडिया नहीं होता कि उसको किस तरह से रीयूज़ करें। Just wrapping a white lace around it. वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन वैसे भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है, चाहे वो पेपर पे हो चाहे वो फैब्रिक हो। तीनों कैंस को मैं ग्लू कर दूंगी। ये एक टेबल ऑर्गेनाइजर की तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वाइट रोप से छोटी सी बो बना दिया मैंने, और उस पर फिर एक एक ब्लैक बटन्स लगा दूंगी तो इट विल लुक मोर ब्यूटीफुल। ये ऑर्गेनाइज़र वैसे भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करने का नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा टफ DIY बनाएं, समटाइम्स सिंपल थिंग्स ऑल्सो स्टैंड्स आउट। अब आ जाते हैं मेरे सेकेंड DIY की तरफ। तो वी ऑल हैव स्वीट बॉक्सेस और मिठाई का डब्बा इन आवर हाउस। तो मेरे माइंड में आइडिया आया कि हाउ टू रीयूज़ दिस स्वीट बॉक्सेस इन अ स्मार्ट वे। तो मैंने इस मिठाई के डब्बे को जस्ट क्लीन कर लिया। इसमें ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, ये ऑलरेडी काफ़ी स्टडी है, लेकिन फिर भी जो इसका जो टॉप कवर वाला पोर्शन है उसको मैं नीचे लगा कर इसको और थोड़ा सा स्टडी बना दूँगी। जो शॉप का नेम जिस पर लिखा था वहाँ पर मैंने उसको गोल्डन पेंट कर दिया है। अब इन दोनों बॉक्स को मैं एक के अंदर एक फिक्स कर दूँगी। मेरे पास कुछ मिरर्स पड़े हुए थे तो मैंने उसको पूरा चारों तरफ जो है मैं उसको मिरर से डेकोरेट कर दूँगी। इसको डेकोरेट करना इट्स टोटली अप टू यू। मेरे पास मिरर्स थे तो मैं मिरर्स लगा दे रही हूँ। आपके पास अगर मिरर्स ना हो, कोई और स्टोन्स हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। लगाने के बाद जो ऊपर का जो पोर्शन है उसकी पूरी बाउंड्री जो है उसमें मैं जो है लेस लगा दूंगी। कोई भी मैचिंग लेस आप यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ इट एज एन ऑर्गेनाइज़र और एज अ गिफ्ट बॉक्स। आप किसी भी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको ये आइडिया कैसा लगा? प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। बिग थम्स अप फ्रॉम माई साइड टू दिस गिफ्ट बॉक्स। How to reuse or recycle waste material, you can find many ideas in my channel. वेलकम टू द थर्ड DIY। इस बॉक्स के तो कहने ही क्या है, ये बॉक्स तो अपने आप में इतना ब्यूटीफुल है कि इसमें कुछ करना ही नहीं है। जो प्रिंटेड पार्ट था बॉक्स का, जहाँ पर नेम लिखा होता है, उसको मैं स्प्रे पेंट कर दे रही हूँ गोल्डन से, क्योंकि इसमें गोल्डन और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, तो आई एम यूजिंग गोल्डन स्प्रे पेंट फॉर दिस। और इसमें रिबन भी ऑलरेडी लगा हुआ है। ये एक फ्लावर है जो कि मैंने DIY किया था, जो रैपिंग फोम शीट होती है उससे मैंने इस फ्लावर को बनाया था। अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पेज पे है इसका वीडियो, और उसको भी मैंने गोल्डन स्प्रे पेंट कर दिया था, तो ये फ्लावर इसमें बहुत मैच हो रहा है। और एक ऑर्गेनाइज़र आपके लिए यह गिफ्ट बॉक्स जो है वो रेडी है। दिस गिफ्ट बॉक्स इज़ अमेजिंग, मतलब इसका प्रिंट तो इतना ब्यूटीफुल है कि एक थम्स अप तो बनता ही है इस गिफ्ट बॉक्स के लिए। व्हिच आइडिया यू लाइक द मोस्ट, प्लीज कमेंट in the comment box. So I am signing off with these 3 brilliant ideas. Thanks for watching. Take care. Goodbye and have a nice day.